दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का ये रहस्यमय सिग्नल एलियंस के वजूद से पर्दा उठा पाएगा? जाने एक ऐसे रेडियो सिग्नल के विषय में जो कि शायद खोल सकता है एलियंस के राज को। पृथ्वी पर उत्पत्ति को लेकर कई सारी थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जो कि आज भी एक विवादों से घिरा हुआ विषय है। फिर ऐसी स्थिति में परग्रहों के बारे में और भी सटीक जानकारी जुटाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए आज भी वैज्ञानिकों के पास परग्रही जीवन सत्ता के बारे में जानकारी काफी ज्यादा कम है। परंतु नियमित रूप से किए जाने वाले रिसर्च के कारण हमें परग्रही जीवन के बारे में काफी सारे सबूत मिले हैं। परंतु ब्रह्मांड में एक चीज तो तय है कि आप किसी भी चीज या घटना के बारे में पूरी तरीके से सटीक रूप से कुछ भी बोल नहीं सकते। ये अनंत ब्रह्मांड अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी पहेली, और परग्रही के विषय में तो ये और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। जो सबूत हमें परग्रहों के मौजूदगी का रास्ता दिखा रहे होते हैं, वे अचानक से बदल कर हमें कई सारे उलझनों में डाल देते हैं। आज हम इसी प्रकार के ही एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने हमें परग्रहों के अस्तित्व को लेकर फिर से एक बार उलझन में डाल दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य विषय को आरंभ करते हैं। दोस्तों, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी खोज को अंजाम देने के बारे में काफी सारे चर्चाएं चली थी। सेटी के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने एक ऐसे सिग्नल को ढूंढ लिया है जो कि काफी ज्यादा रहस्यमय और खुफिया है। उस वक्त इस सिग्नल की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था, परंतु तो इतना कहा जा रहा था कि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास के इलाके से ही आया होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस सिग्नल को परग्रहों के अस्तित्व से भी जोड़कर देख रहे थे। उन्हें इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर कैसे कोई इतनी उन्नत परग्रही सभ्यता हमारी पृथ्वी के इतने पास बच सकती है। उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही यकीन नहीं था, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे सितारे हमारे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा पास में मौजूद है, और इन पर अगर कोई उन्नत परग्रही सभ्यता मौजूद होती तो हमें काफी समय पहले ही पता चल गया होता। इस रेडियो सिग्नल को पहली बार साल 2019 के अप्रैल के महीने में खोजा गया था, परंतु इसके ऊपर व्यापक रूप से काम साल 2020 अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ। उस वक्त वैज्ञानिक इस सिग्नल को लेकर काम कर ही रहे थे कि अचानक इस विषय में पूरी दुनिया को पता चल गया। खैर, 982 मेगाहर्ट्ज़ वाले इस रेडियो सिग्नल का नाम BLC-1 दिया गया, और इस तरीके से ये सिग्नल बहुत ही खास बन गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर इस सिग्नल की हकीकत क्या है। रिसर्च के प्रारंभिक अवस्था में ये रहस्यमय सिग्नल काफी ज्यादा खास था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया इस सिग्नल की असल सच्चाई के बारे में हमें पता चलने लगा। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि इस सिग्नल का परग्रही सभ्यता से कोई भी नाता नहीं है। वैज्ञानिक को पता चला है कि यह सिग्नल कोई खगोलीय चीज से भी नहीं बना है, जो कि एक अलग ही पहलू की ओर इशारा करता है। जब वैज्ञानिक इस सिग्नल की पड़ताल कर रहे थे, तब प्रॉक्सिमा सेंचुरी से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा अलग अलग रेडियो सिग्नल्स के बारे में पता चला। हालांकि बाद में इनमें से ज्यादातर सिग्नल्स को मात्र एक इंटरफेरेंस के रूप में करार कर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर सिग्नल्स दोनों ही दिशा में गति कर रहे थे। हालांकि 5160 सिग्नल्स ऐसे भी थे जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर इशारा कर रहे थे, परंतु बाद में उन्हें भी फिल्टरिंग टेस्ट के जरिए नकार दिया गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर इस रेडियो सिग्नल के ऊपर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। साल 1977 में सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने परग्रही सिग्नल का पकड़ा था। उस समय वाव नाम से परिचित ये सिग्नल पूरी दुनिया में खास चर्चा का विषय बना हुआ था। परंतु जो खास बात इस सिग्नल के बारे में थी वो ये है कि ये सिग्नल एक बहुत ही अनजान लोकेशन से आया था, पर आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि BLC-1 सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को पुराने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके भी कई बार परखा जा रहा है। यही कारण है कि अब तक BLC-1 जैसे हूबहू फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर से देखने को मिले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई ये सिग्नल किसी एलियन परग्रही द्वारा भेजा गया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए खींची फ्रीस्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।